बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल डिज़ाइन हाउस। तो कोरल डिज़ाइन हाउस में आज हम ये एक सैम्पल रखा है, ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपके सामने थोड़ा बड़ा करते हैं इस तरह से, ठीक हो गई। तो उससे पहले अपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस दुनिया में भी कामयाबी मिल जाए आपको और आखरत में भी, तो फिर आप दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। दुरूद शरीफ की कसरत, नमाज की पाबंदी और कुरान मजीद की तलावत, तो इंशाअल्लाह आपको फिर कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता, और नाकामी कभी आपके पास गुजरेगी भी नहीं आपके पास, अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो। सही हो गया जी, तो करते हैं स्टार्ट इसी मैसेज के साथ। आज हम ये वाला बनाएंगे डिज़ाइन, तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है। हम वैसे अलग से भी यहाँ से ड्रा कर सकते हैं और इसके ऊपर कॉपी करके भी ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करे उसी तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर से कॉपी करके ड्रा करेंगे। पहले इसको हम करेंगे सिलेक्ट जूम टूल वाले से, और ये हो जाएगा बड़ा, छोड़ देंगे इस तरह से। तो ये चीज़, तो ये सिंपली है, कोई मुश्किल नहीं है कोई। ये यहाँ से हमने लिफ्ट टूल लिया, यहाँ से हम इसको करेंगे ड्रा इस तरह से, कंट्रोल का बटन दबाते हुए इस तरह से हमने एक दायरा ड्रा कर लेना, ठीक हो गया जी। इस तरह से दायरा ड्रा करने के बाद हम इसको बिल्कुल इसके अंदर इस तरह से फिट कर देंगे पूरा, और इसको हम फिर शिफ्ट के साथ एक और दायरा बना देंगे, माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे काफ़ी थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे इस तरह से, ठीक हो गया जी। इस तरीका से तो यहाँ तक ये हमारा काम हो गया, ओके सिंपली। बाकी का हमारा काम ये नीचे का, तो यहाँ से सिंपली हम पेन टूल के साथ ही कर सकते हैं। यहाँ से पेन टूल लिया, ड्रा किया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक एंटर का बटन दबाया, और यहाँ से लिया शेप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में गए, और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व हुआ पड़ा है, अगर ना हुआ हो तो फिर वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको किया कर्व, थोड़ा सा हम इस तरह से नीचे की तरफ ले, इसको सिलेक्ट किया थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ, एक बार सिलेक्ट किया इस तरह से, बटन के साथ भी आप इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं, इसको भी समी सिमिलरली उसी तरह से, ठीक हो गया जी। इस तरीका से ये चीज़ है ना, काम की चीज़। और इसी तरह इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डबल सिलेक्ट किया यहाँ से, और ये पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया, तो पॉइंट को हम बाद में करेंगे। इसी के हम कॉपी करके यहाँ पे लेके जा रहे हैं, या कॉपी किया माउस का दबाया राइट बटन, यहाँ से कॉपी हो गया, डबल क्लिक किया और यहाँ से हमने रोटेट किया इस तरह से, इस तरह से कुछ यहाँ तक रोटेट हो गया, इसको हम बिठाएंगे। तो ये उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से अपने ऊपर आ जाना, वहाँ जा हम करेंगे इस तरह से, और एक बार इस तरह से, और एक बार फिर इस तरह से। तो ये देखें, ये आपका सीधा हो गया है, तो आप रोटेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया जी। और राइट के माउस के राइट वाले बटन से हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे, तो ये इस तरह से ये देखें पूरी तरह बैठ गया। अगर कमी पेशी है तो आप इसको सिलेक्ट करें और शेप टू ले लें यहाँ से, और यहाँ से जैसे थोड़ी सी कमी है इसको सिलेक्ट करें, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आप कर लें, और इसको आप इस तरह से कर लें ये चीज़, ठीक हो गया। और ये कोना आप पकड़ें और थोड़ा सा ऊपर कर लें, और यहाँ से आप पकड़ें थोड़ा सा इसको नीचे कर लें इस तरह से, ठीक हो गया। ये काम इसका हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब हम ऑल्ट का बटन दबाते हुए, ऑल्ट का बटन आपने होल्ड रखना, और कीबोर्ड से डाउन का बटन दबाते हुए नीचे लेकर जाएं, जाएं 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 चीज़ कर जाना है लास्ट तक, तकरीबन यहाँ पर हम रोक देंगे इसको। तो
अब ये हमारा लोगो है, सिंपली थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, थोड़ा सा और, तो ये भी आप सिंपली वहाँ पेन टू ले लें, यहाँ से पेन टू लिया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमने यहाँ तक किया, छोड़ा, सिंपल है बिल्कुल, यहाँ तक फिर छोड़ा, छोड़ना कैसे है? बटन दबाकर माउस का, ठीक हो गया जी, माउस का बटन दबाकर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से पेन नीचे सेलेक्ट कर दे उसको, फिर आगे आप ड्रा करेंगे, फिर उसको क्लिक करेंगे तो फिर वो चीज़ आपकी वहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पे और इसको इसके साथ एज कर देना इस तरह से, और एंटर दबा देना आपने, तो ये हमारा इस तरह से काम हो गया कंप्लीट। बस इतना सा काम था। यहाँ से आपने फिर पेन टू लेना, ये छोटी छोटी लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिए, यहाँ से एंटर दबाया, एक लाइन होगी, और फिर यहाँ से थोड़ी बड़ी लाइन रखनी, और यहाँ से एंटर दबाया, दो लाइन है, और ये सेलेक्ट किया, और यहाँ से तीन लाइन है, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना फिर चार लाइन है, ठीक हो गई। इस तरह से पेन टूल के सेलेक्ट करके माउस का बटन दबाना है तो आपकी लाइन बन जाएगी। इस तरह से फिर यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से शार्ट की जितनी आप यूज़ करेंगे उतना ही जल्दी आप काम फिनिश कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप शार्ट की के साथ काम करते हैं या उसके बगैर, ठीक हो गई। इस तरह से तो ये तरीके से हम इसको इस तरह से हम ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से। इस तरीका से देखें, सेलेक्ट किया ना, अगर हम इसका इंटर नहीं दबाएंगे तो ये देखें पेन छोड़ेगा नहीं, जैसे ही हमने इंटर दबाया ये देखो उसने छोड़ दिया, तो उसको वहाँ से सेलेक्ट करके अपने इंटर लाजमी दबाना। ये ना अगर आप नए शुरू कर रहे हैं तो बोले ये तो छोड़ता ही नहीं, तो उसके लिए आपको इंटर और स्केप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटर भी दबा सकते हैं और स्केप भी दबा सकते हैं, दोनों में से कोई भी दबाएंगे तो काम करेगा। यहाँ से हमने फिर सेलेक्ट किया ये चीज़, और यहाँ से आए, यहाँ से कोने में आ गए, और फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जाके हम इस एज के साथ कर देंगे पॉइंट, ठीक हो गई। तो यहाँ से हम लेंगे शेप टू, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेंगे, मूव का राइट बटन टू करो, इसको हम सिलेक्ट करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से, और इसी तरह इसको किया इस तरह से, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा काम क्लियर हो गया, इसी को हम उधर पेस्ट कर सकते, इसी को उठा के हम इधर ले जाते हैं, मूव का राइट बटन दबाएंगे, तो ये हमारा हो गया कॉपी। यहाँ से हम मिरर करेंगे, एक बार फिर करेंगे तो ये सीधा हो गया, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। अब हम जेड दबाएंगे और जूम इन करेंगे इस तरह से, जूम आउट करेंगे बल्कि, तो ये आप देख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन कदम श्रेणी बाद में भी आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ करेंगे, ये आप देख सकते हैं हमारा जो वो स्केल वाला लोगो है ना वो रेडी है इस तरह से, ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइन लिख लेते हैं, सेलेक्ट एंड ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक कैप्स लॉक ऑन, जी बड़ा, जी बाकी छोटा, जी आर ए पी एच आई सी एस स्पेस, फिर बाद में डी ऑली ई एस आई जी एन, अच्छा ये चीज़
यहाँ से उसको बोल्ड कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें बस, इसको फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, फॉन्ट चेंज आप इसका कलर है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट किया फॉन्ट चेंज, आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं, अच्छा वाला फॉन्ट ले सकते हैं, फॉन्ट आपको अच्छे से अच्छा मिल जाएगा, पूरा से पूरा भी मिल जाएगा, यहाँ से आपको फॉन्ट फॉर्म से ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया इस तरह से, ठीक हो गया जी। ये चीज़ थोड़ा सा इसको इस तरह से बड़ा कर लें, ये चीज़, और यहाँ से पकड़ेंगे शिफ्ट के साथ आपने इसको अंदर की तरफ कर लेना इस तरह से, ये यहाँ तक आपका जो काम है तमाम हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन इसको हम कर देंगे क्लियर, फिलर रखते हैं, कलर देते हैं सेम कलर देते हैं, दूसरा भी देख देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है, ठीक हो गया जी। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ तक अच्छा लगता है डिजाइन रखेंगे इसको, तो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, हमने स्मार्ट स्मार्ट फिल्टर भी लेना यहाँ पर, तो यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ से येलो कलर है तो येलो कलर ही हम इसको दे देते हैं, यहाँ से भी हम येलो कलर ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और सेम यहाँ पर भी ऐसे ही येलो कलर हम दे देंगे इस तरह से, ठीक हो गया जी। लेकिन येलो कलर देने से पहले ये जितनी भी लाइन्स हैं हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ दबा के, शिफ्ट को आपने होल्ड रखना है और इसको आपने सेलेक्ट करते जाना, ठीक हो गया इस तरह से, तो ये आपकी लाइन सेलेक्ट होती है इस तरह से, सेलेक्ट करते जाना इस तरह से पूरी पूरी लाइन इस तरह से सेलेक्ट की, कंट्रोल जी की ग्रुप आपने कर लेना सबको, अब आप देख लें सारी सारी ग्रुप होगी, कंट्रोल जेड करेंगे वापसी में और इनका कलर कर देंगे इस तरह से कुछ वाइट, वाइट कलर कर दिया, अब इसके अंदर हम कलर देंगे तो ये हमारी लाइंस में नज़र आएंगी, येलो कलर शिफ्ट पेज अप, तो वो देख लाइन जो है नज़र आना शुरू होगी, लेकिन हम इसमें से कलर दूसरा भी चेंज करें, फॉर्म पर यहाँ से हमने लिया कलर एडर ऊपर ये टूल, यहाँ से सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना इस तरीका से, तो ये सेम कलर आप उसके अंदर भी दे सकते हैं, ऐसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया इसके अंदर बिल्कुल ये चीज़ और यहाँ पर ये चीज़, ठीक हो गया जी इस तरह से, और इसको अब हम कर देंगे डिलीट, हमको ये चाहिए भी नहीं, और इसको आप पूरे को सिलेक्ट करें इस तरह से, पूरा सिलेक्ट किया आपने और आउटलाइन आसाब किया, आप नॉन नॉन कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन आउटलाइन नॉन करने से पहले ये जो लाइन्स हैं इनको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे कंट्रोल यू करेंगे अनग्रुप, फिर हम इसको करेंगे सेलेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, तो ये चीज़ है इसकी, तो इसको सेलेक्ट करें आप शिफ्ट के साथ अंदर के करें कंट्रोल जी इस तरह से, ठीक हो गई ये सिलेक्ट, इसको सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ इसको, फिर इसको कंट्रोल जी इस तरह से, ठीक हो गई इस तरह आपने इसको सेलेक्ट करना शिफ्ट के साथ इसको, फिर इसको कंट्रोल जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसको साइड में करेंगे तो हमारी आउटलाइन जो है नीचे रह जाएगी, शिफ्ट के साथ इसको इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना और निकाल के यहाँ पे ले आना, तो ये हमारी जो बाकी लाइन थी ये हमारी यहाँ आ गई, हमारी आउटलाइन जो है हट गई, अब हमारी इसके अंदर आउटलाइन नहीं है, है सिर्फ इसके अंदर, इसके अंदर, तो इसके अंदर भी हम इसको ख़त्म कर देते हैं, किस तरह करते हैं सेलेक्ट एंड अनग्रुप इस तरह से, और इस तरह से आप ये चीज़ करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करें
इसको हम कर देंगे यहाँ से नन, ये गई और ये वाली लाइन और माउस का राइट बटन दबाएंगे और अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद यहाँ से हम ये लाइन जो है ना सिलेक्ट होता है, इसको हम यहाँ से नॉन कर देंगे। ये देख, ये हमारी लाइन फिनिश हो गई। कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए एंड कंट्रोल जी एंड पी, और इस तरह हम इसको मिडल कर देना। आल्ट के साथ इसको आपने मिडल कर देना, जेड दबा के माइनस कर देना, इस तरह से आपने ठीक हो गया इस तरीके से। तो ये चीज़ हमारी होगी क्लियर। थोड़ा सा अपने जहाँ से इसको कर देना छोटा, और थोड़ा सा इसको यहाँ से चौड़ा भी कर सकते हैं, फिर आप इसको खींच के इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया ये चीज़ है, ठीक हो गई है। इसको हम डिलीट कर देंगे इस तरीके से, ये चीज़ हमारी ये चीज़ होगी। थोड़ा सा हम इसको यहाँ से पकड़ के अंदर की तरफ आ देंगे इस तरह से, और इसको आपने दबाना है उसका राइट बटन अनग्रुप करके इसको कलर चेंज कर दें। आप कलर चेंज कर दिया, यहाँ से रेड कर दिया इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये ऐसा हमारा जो है ना ये लोगो स्केल वाला तैयार हो गया। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, पीछे इसका हम ब्लैक कलर दे देंगे कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ ठीक हो गई, और ये ग्राफिक डिज़ाइन जो है ना हम इसमें कलर वाइट दे दें, इसको हम वाइट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो गया तमाम। और यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड पकड़ के हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी हमें लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और दुरूद शरीफ अपने पढ़ते रहना। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी आखिरत में भी कामयाबी हो या इस दुनिया में भी, और आपको कभी गमगीन ना हो, हार्ट टाइम आपको यानी कि दिल आपका सुकून में रहे, तो फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। फिर इंशाल्लाह जहाँ दुरूद शरीफ होता है वहाँ कभी गम नहीं होता, सही हो गया जी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं थोड़ा सा ये पेज का साइज कम कर रहा हूँ, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।